डियर एनी आपा, अस्सलाम अलैकुम। इस ख़त के ज़रिए आपसे मुखातिब होने का ये मेरा पहला मौका है, लेकिन गायबाना तारुफ़ मुद्दतों पहले का है। मैंने आपकी इतनी तख्लीकात पढ़ी हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि आपसे किसी हद तक मेरी शानाशाही है तो कुछ बेजाना होगा। आपके तख्लीक शुदा किरदारों को ज़िंदगी के हर दौर से गुजरते देखा। ये किरदार कभी अपने आप पर तरस खा कर फरियाद नहीं करते, हालात का डट कर मुकाबला करते हैं। उनकी वकालत में आपको कभी शोर करते नहीं पाया। वो बेजुबान नहीं बल्कि बाविकार नजर आते हैं। हाल में आजकल के शुमारों में कारे जहां दराज है कि कई किस्तें पड़ी, बहुत लुत्फ आया। आपका मखसूस सेंस ऑफ ह्यूमर, जिस पर किसी की नज़र न जाने क्यों नहीं जाती, लोगों को कम ही अंदाज़ा है कि जो बेपनाह दुखी कर सकता है अपनी तहरीरों से, वो बेताहाशा मसरूर भी कर सकता है ह्यूमर से। उम्मीद है आप बखैर होंगे, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। वस्सलाम। इस वक्त कुरतुल हैदर की हैसियत ऐसी है जैसे कथा साहित्य या हमारा जो फिक्शनल अदब है उर्दू का, उसके आसमान पर एक चमकता हुआ सितारा। एक के बाद एक बड़ा नावल उर्दू को दिया उन्होंने, एक के बाद एक बड़ी कहानी उर्दू को दी उन्होंने। और सबसे बड़ी बात इस मुसन्निफा के बारे में ये है, इस फनकार के बारे में, कि उसने उनमें हिम्मत है तारीख से पंजा लड़ाने की। तारीख की आंखों में या तारीख के बहाव में जो ताकत है और उसमें जो भेद है, उसकी ऊंचाइयों में, उसके नशेब व फराज में, ख़ास तौर से भारत की और हिंदुस्तान की तारीख जिन जी बड़े बड़े पड़ावों से गुजरी है, आर्याओं के ज़माने से लेकर मुसलमानों के, मुग़लों के ज़माने से लेकर फिर अंग्रेज़ों के ज़माने और आज तक आज़ादी के बाद, जो जो इबरत की इबरतनाक मोड़ आते हैं हमारे तहजीबी सफ़र में, कुरतुल हैदर की नज़र उन सब मोड़ों पर है। ये कोई मामूली बात नहीं। मैं कुरतुल हैदर को इसीलिए बहुत कीमती समझता हूँ, यानी उर्दू के पूरे फिक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, कि उनके यहाँ हमेशा अपने ज़माने से आगे सोचने की सलाहियत उनके यहाँ बहुत रही, गैर मामूली रही। यानी जहाँ हमारे लिखने वाले आज पहुँचते हैं, कुरतुल हैदर की पुरानी कहानियों पर नज़र डाली जाए तो कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कि उन जगहों तक या उन मंजिलों तक वो अब से 50 साल पहले, 40 साल पहले, जो बिल्कुल इब्तदाई ज़माना था उनका लिखने का, उस वक्त पहुंच चुकी थी। दुनिया की हर चीज बहुत फरहत बख्श थी। बात का हर जुमला अमूमन इस तरह शुरू होता, ओफो इतना मजा आया। कभी कभी रात को हमन आपा मुझे गैलरी की दीवार में नसब टेलीफोन के ऊंचे तख्ते पर चढ़ाकर खुद जुगनू जमा करने बाग में चली जाती। कुछ देर बाद खिलखिलाकर हंसती हुई वापस आती, उनके चुने हुए दुपट्टे में जुगनू टिमटिमाते। वो जुगनुओं की दुनिया थी। बैकेट हाउस में अब उत्तर प्रदेश की नेशनल कैडेट कोर के हेडक्वार्टर्स हैं। उसके बरामदे जाली से ढक दिए गए हैं। सामने जीप गाड़ियां खड़ी रहती हैं। बरसाती और पिछला हिस्सा शिकस्ता हो गया है। पिछली पहाड़ी पर फौजी जवान नहाने धोने में मसरूफ रहते हैं, लेकिन आप यकीन फरमाइए कि इस बेरंगोबू दुनिया में एक जमाना ऐसा भी गुजरा है जब जुगनुओं की रोशनी में इस कोठी के अंदर परी आया करती थी। बचपन की मासूमियत जुगनू की रोशनी की मानिंद टिमटिमा कर इस तरह गायब हो जाती है जैसे वो जमाना कभी था ही नहीं। तरक्की पसंदों ने एक बार नहीं, 20 बार उन पर इल्जाम लगाए, ऐसे ऐसे इल्जाम। किरदार खुशी भी की, जिसको करेक्टर एसोसिएशन कहते हैं, एक जुमला ये कहा गया कि उर्दू में एक वर्जीनिया वुल्फ पैदा हुई थी, उसको नॉस्टैल्जिया का भेड़िया उठा के ले गया। लेकिन कुरतुल हैदर की खूबी ये है कि उन्होंने इस तरह के इल्जामात और एतराजात की कभी परवाह नहीं की, अपनी राह खोटी नहीं की, वो अपना काम करती रही। देखिए, कोई राइटर
अपने बचपन को नहीं भूलता है, वो उससे आगे निकल जाता है लेकिन वो वापस आता जाता है उसकी तरफ, कहीं ना कहीं से कोई चीज़ ढूंढ कर निकाल लेता है उसमें से, उसको शामिल कर लेता है अपने अपने हाल में। तो वो ऐसा है कि उसको हम पीछे भूल नहीं सकते। तो वो मैंने भी यही किया और मेरे साथ ये हुआ कि मैंने ज़्यादा उसमें आई डवेल्ट मोर ऑन दैट, तो मैंने पूरा एक मेरा एक पूरा लिटरेचर है बचपन के बारे में। हर तीसरे दिन सुपहर के वक्त एक बेहद दुबला पतला बूढ़ा घिसे और जगह जगह से चमकते हुए स्याह कोट पतलून में मलबूस स्याह गोल टोपी ओढ़े पतली कमानी वाली छोटे छोटे शीशों के ऐनक लगाए हाथ में छड़ी लिए बरसाती में दाखिल होता और छड़ी को आहिस्ता आहिस्ता बजरी पर खटखटाता। फकीरा बाहर आकर बाजी को आवाज देता, साइमन साहब आ गए। बूढ़ा बाहर ही से बाग की सड़क का चक्कर काट कर पहलू के बरामदे में पहुंचता, एक कोने में जाकर और जेब से मैला सा रुमाल निकाल कर झुकता और फिर आहिस्ता से पुकारता, रेशम रेशम रेशम, और रेशम दौड़ती हुई आती। बाजी बड़े आर्टिस्टिक अंदाज में सरोद कंधे से लगाए बरामदे में नमूदार होती, तख्त पर बैठ कर सरोद का सुर्ख बनारसी गिलाफ उतारती और सबक शुरू हो जाता। हमारा पूरा खानदान जो था वो लिखने पढ़ने वालों का खानदान था, यानी हमारे वालदैन तो थे ही मशहूर राइटर थे। हमारे ख़ानदान में ख़ास बात ये थी जिसका जिक्र मौलाना अली मियां ने किया है, मौलाना अली मियां नदवी, उन्होंने कहीं लिखा है कि हमारे इस ख़ानदान के बारे में किसकी काबिल ज़िक्र बात यह है कि इसकी औरतें भी आला तालीम याफ्ता थीं। यानी उस ज़माने में हमारी वालदा ने सितार सीखा बजाना आज से कोई 70 साल पहले, जबकि ख़वातीन ख़ासतौर पर मुस्लिम घरानों में, बंगालियों का तो आम चीज़ थी म्यूज़िक सीखना, लेकिन मुसलमान घरानों में नहीं था म्यूज़िक। खानदान बैठ के ख़वातीन जो हैं वो गा रही हैं, ये बहुत मायूब बात समझ जाती थी। लेकिन मेरी वालदा इस मामले में बहुत ही इनकलाबी थी, रेवोल्यूशनरी, क्योंकि मेरे वालिद बहुत रेवोल्यूशनरी थे। तो पर्दे वर्दे का माने कुछ जैसे कल बंगाल में टैगोर ख़ानदान था, इस तरीके से महाराष्ट्र में इनका कारवे का ख़ानदान था, इस तरह हम लोगों का ख़ानदान इसी तरह के ख़ानदानों में से था जिन्होंने के नॉर्थ इंडिया में काफ़ी पेशकदमी की। मगर उसके साथ एक बात और थी कि हद से ज़्यादा आज़ादी नहीं, एक वाया मीडिया, यानी बहुत ज़्यादा आज़ादी भी नहीं और बहुत ज़्यादा बैकवर्ड भी नहीं, एक बीच का रास्ता अख्तियार कीजिए और उसमें आप तरक्की कीजिए, ये हमारे यहाँ का उसूल था। अक्सरियत उन लड़कियों की थी जो इंकलाब से पहले पर्दा करती थीं, लेकिन अब जज्बे कौमी की शिद्दत से मजबूर होकर मर्दों के साथ मैदान अमल में दोष बदोश काम करने के सिलसिले में मखलूत कॉलेजों के लेडीज रूम में बैठकर फिल्मी गाने गुनगुनाती थी। कॉमरेड्स तकरीबन नापैद थी क्योंकि फिजा इसके लिए साजगार न थी। अश्तराकियत की धुन और उसका माहौल, अफसोस कि वतन मरहूम की यूनिवर्सिटियों ही में रह गया। ये लड़कियां अपना ज्यादा वक्त गरारे सिलवाने और कपड़ों के मुतालिक तबादला ख्याल में गुजारती थी। इंटेलेक्चुअल लड़कियां 1 फी 1000 बल्कि इससे भी कम मकदार में थी, उनको अपने मुतालिक बड़े जबरदस्त मुगालते थे, लिहाजा वो हर एक से बेहद सरपरस्ताना अंदाज में मिलती और ताज़ा तरीन सियासी इक्तसादी बैनुल अक्वामी सूरत हाल पर मुख्तसर सा तबादला ख्यालात करने के बाद खामोशी से बैठी कहवा पीती रहती। और घर पे मुझे सिखाया गया था कि असराने पर इस तरह चाय बनाकर मेहमानों को पेश करूं, टमाटर का अर्क इस तरह तैयार करूं, मेहमानों से मुस्तकिल महज उनकी दिलचस्पी की बातें करूं और चेहरे पर मसनवी शीरी मुस्कुराहट बराबर कायम रखूं, और मुअज्जिज़ लेडी बॉक्स वाला से पूछूं कि अब उनका जुकाम कैसा है। मैं अपना शुमार कुरतुल हैदर के उन रीडर्स में करता हूं जिन्होंने शायद उनका लिखा हुआ हर लफ्ज पढ़ा है, यानी उनकी बिल्कुल इब्तदाई तहरीरें
समझना चाहिए कि जब वो बिल्कुल एक नौजवान, एक खातून के तजुर्बे जो होते हैं बिल्कुल कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद, उस ज़माने में उनके परसेप्शंस क्या थे, और अभी तक वो जो कुछ लिख रही हैं, यानी जो किस्तें छपती हैं उनके इस नावल की जो अभी वो मुकम्मल कर रही हैं, मैंने हर तहरीर पढ़ी है। इधर उनकी तहरीरों में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी तहरीर जो उनकी लगी वो उनका चांदनी बेगम, वो नावल जिसका चर्चा नस्बता कम हुआ लेकिन मुझे वो बहुत पसंद आया। मेरा ख्याल है कि जितना मैच्योर हो चुका है उनका स्टाइल और उनकी थिंकिंग में, पूरा नावल इस तसव्वुर के गिर्द घूमता है कि इंसानी ज़िंदगी में न मंसूबे काम आते हैं, न बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि किसी किस्म का कोई सिस्टम और कोई एक बाकायदा सोच। इत्तफाकात ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि आप सोचते कुछ हैं, हो कुछ जाता है। अब मैं क्या कहूँ उसके बारे में, मैं से जो मैं देखती हूँ लिखती हूँ, मैं अपनी तरफ से ना तकरीर करती हूँ, ना कोई कली फूंकने लगाती हूँ, और ना मैं कोई झंडा बुलंद करती हूँ। जो है जो जो हमने देखा वो लिख दिया, और ऐसे लिखा कि पढ़ने वालों को उसमें दिलचस्पी है, ऐसे ना हो कि वो बोर हो जाए, तकरीरें हो रही हैं, ये नहीं करती। मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह उनकी तहरीरें खासी पेचीदा हैं, वैसे बतौर शख्स के भी अगर उनको देखा जाए तो वो शख्स जो बहुत कहना चाहिए कि इम्पल्सिवली अगर रिएक्ट करने का आदी नहीं है और उनको इंटीमेट थोड़ा सा जानता है, करीब से देखता है, तो उनके औसाफ भी धीरे धीरे खुलते हैं, खूबियाँ भी धीरे धीरे आदमी की समझ में आती हैं। मसलन मेरा ये ख्याल ये है कि बज़ाहिर तो उनके बारे में लोग कहते हैं कि साहब एरोगेंस है, या ये कि बहुत अप्रोचेबल ज़्यादा नहीं लगती हैं वो, लेकिन मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। मेरा अपना ख्याल ये है कि वो खासी जज्बाती, और इसी के साथ साथ एक जो शफ़क़त जो हमारे यहाँ कहा जाता है, जो एक पर्सनल एक और पर्सनल चार्म्स होते हैं, एक तरह की मासूमियत भी बहुत, भोलापन भी बहुत है उनकी पर्सनैलिटी में। हरचंद की ऐसा मालूम होता है कि वो कभी कभी यानी वर्ल्डली वाइज जैसे लोग हुआ करते हैं वो टाइप नहीं है कुरतुल हैदर की। तो एज ए पर्सन भी, और ज़ाहिर है कि एक चीज़ जो उनकी कहानियों को पढ़ के बहुत से लोग समझते हैं कि सब बहुत संजीदा ज़िंदगी का, बड़ा दुखी, और कहना चाहिए कि बहुत ही एक वो आस्पेक्ट उनके जहन में होता है जिसमें बड़ा बड़ी ट्रेजडीज़ और ये और वो ह्यूमन मिजरीज और लाइफ की जो बिल्कुल कहना, लेकिन कभी कभी आप उनसे अगर बात करें और ऐनी आता बिल्कुल कहना चाहिए रिलैक्स्ड हों, और तो मेरा ख्याल ये है कि वो बहुत हिलेरियस, मतलब कभी कभी बहुत दिलचस्प गुफ्तगू होती है। मुझे मैंने अपने पढ़ाई लिखने को अपने ऊपर लादा नहीं है, और ना मुझे बड़ा, मैं बड़ा अपने आप को समझती हूँ कि मैं कोई बड़ी टॉप राइटर हर वक्त रम जंग बैठी हुई हूँ, मुझे ऐसा कोई एहसास नहीं। हम अदीब लोग यूँ करते हैं, हम अदीब, ये मैंने आई थिंक इट्स वेरी सीरियस। मैं उसको कोई अहमियत नहीं देती हूँ, जब मुझे लिखना होता मैं लिख लेती हूँ, जब नहीं लिखना होता नहीं लिखती। इट्स एंटायरली माई पर्सनल। क्या करूँ, कोई घर आ जाए तो ठीक है, उससे बातें कर लेंगे बैठ के, उसके बाद फिर लिख लेंगे। अभी सोचेंगे नहीं 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 मत आना मेरे पास, मैं इस वक्त मूड में हूँ, मैं लिख रही हूँ, ये सब फ्रॉड बेवकूफ़ी की बातें, फोनी। इंसानों की खिदमत, मखलूक खुदा की खिदमत, वो ख्वाह जबान से हो या अपने हाथ पैरों से हो और या राइटिंग के जरिए हो, ये कुरतुल ऐन हैदर शुरू से कर रही हैं। हम जानते हैं बहुत से ऐसे लोगों को जिनकी उन्होंने मदद की, मुसलसल उनको अपने पैरों पे खड़ा होने पे मदद दी, और उसके साथ साथ उनके नफ्स का ख्याल रखा, उनके इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं होने दिया। ये वो बड़ी खसूसियात है जो हमारे यहाँ सूफिया की रवायत नहीं है। अच्छा, दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं, उनका ताल्लुक भी एक बहुत बड़े सूफी खानदान से है। ख्वाजा कमालुद्दीन तिरमिजी का खानदान हिंदुस्तान में बड़ा मशहूर खानदान है, सूफी खानवादा है। मेरा ख्याल ये है कि ये उनके अंदर चीज जो है ये विरासतन है।
क्रिटिसिज्म है ये हमारी कल्चर की एक रॉक बेस है, क्योंकि मिस्टिसिज्म जो थी या जो है वो इंसान दोस्ती पर उसकी बुनियाद है, और इंसान दोस्ती जो थी वो हमारे अदब की बुनियाद थी। इसमें देखिए आपको कहीं पर उर्दू अदब में, उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा अगर 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 अटैक किया है मुल्ला पे और ऑर्थोडॉक्सी पे तो सूफी तो उर्दू शायरी में हुआ है। यानी जिस चीज़ को हम लोग कहते हैं ऑर्थोडॉक्सी, मुस्तकिल आप जाहिद पे और मुल्ला पे और मुस्तकिल जो आपका है वो अटैक हो रहे हैं शायरी में, और जो जो तसव्वुर है मैखाने का वो मैखाना एक्चुअल शराबखाना नहीं है, वो स्पिरिचुअल और ज़हनी आज़ादी की फ़िज़ा का उन्होंने नाम रखा कि मैखाना है जिसमें बैठे हुए हर एक अपनी अपनी बात कर रहा है, सब सुन रहे हैं दूसरे की। उर्दू लिटरेचर का और पर्शियन लिटरेचर का आइडियल जो रहा है वो रहा है वसी उल नज़री, ये तसव्वुफ़ की चीज़ है। जब हम जिंदा होते हैं तो एक खौफनाक अनजानी अनदेखी ताकत हमारे पीछे पीछे हमारे आगे आगे चलती रहती है, और बिलाखिर जब हम खुद चलते चलते थक जाते हैं तो हमें मौत के सायों की वादी तक पहुंचाकर वापस लौट आती है, और दूसरी रूहों के पीछे उसी तरह चुपके चुपके चलना शुरू कर देती है। वो अनदेखी तारीख रोशनी की ताकत मेरे सामने खड़ी है, उस खिड़की के पार, उस अनार की शाख के नीचे, उस सड़क के मोड़ पर, लैंप के पीछे के अंधेरे में, दरिया के साहिल पर। तुम कौन हो भाई? मैं वो हूं जो कभी तुमसे मिल नहीं सकती, लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये मुझे जाने किस तरह की मौत की तरफ ले जाएगी। क्या तुमने भी अनार के शगुफों की कोई अकेली टहनी सरसराती देखी थी? दो उनके खास मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्सेशन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हर लिखने वाले के यहाँ ये होता है कि कुछ परछाइयाँ बार बार सामने आती हैं, उसकी बसीरत का सामना करती हैं, उसके शऊर में वो एक मुस्तकिल जगह बना लेती हैं। जैसे वो क़ुर्रतुल ऐन हैदर के यहाँ भी मुझे ऐसा लगता है कि दो मौजूआत ऐसे हैं, एक तो वक्त के जबर का एहसास, उसी से मिला हुआ, दरअसल एक ही कहना चाहिए, मैंने दो उसको अलग अलग समझने के लिए कहा। एक तो वक्त, टाइम का क्या रोल होता है इंसानी ज़िंदगी में, इंसानी मुकद्दर को समझने में, डेस्टिनी को समझने में, ह्यूमन डेस्टिनी को समझने में क्या मदद उससे हमें मिलती है, और दूसरा उनके यहाँ एक एहसास की मौत का जबर, फना, कैसे चीज़ें बनती हैं और फिर तेज़ी के साथ बनने के साथ ही बिगड़ने का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। ये एक तरह की फ्यूटिलिटी का एहसास, नुकसान का एहसास, ये क़ुर्रतुल ऐन हैदर के यहाँ बार बार एक थीम के तौर पर नुमाया होता है। और मेरा ख़्याल है कि ये दोनों मामलात ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़, अगर हम ये कहें कि वो आज के सोचने की बातें हैं तो शायद गलत कहेंगे, इसलिए कि ये वो मौजूआत हैं जो ज़िंदगी, इंसानी ज़िंदगी का पीछा हमेशा से करते रहे हैं, और अदब की रवायत में हम चाहे जितनी सदियों पीछे जाएं, जब भी हमें किसी न किसी शक्ल में, बस ये हो कि नाम बदलते हैं, कॉन्टेक्स्ट यानी सियाक बदलता है, रेफरेंसेस बदलते हैं, हवाले बदल जाते हैं, लेकिन मसाइल और तजर्बे अपनी जगह पर जूं के तूं रहते हैं। जो हिंदुस्तान जितना ज़बरदस्त मुल्क है, बेहतरीन, उसी उसके लिहाज से उसका जो इमेज है वो इतना ख़राब क्यों है? इतनी लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? इतने मतलब किसी मुल्क में आप देख लीजिए डिसयूनिटी का ये अंदाज नहीं है। हमारे यहाँ क्यों है? इसलिए कि मल्टीलिंगुअल मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, वो भी हो सकती है, बहुत जगह पे है। हमारे यहाँ हमारी वालदा की नानी एक बात कहा करती थी कि बिटिया, इस मुल्क, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें एक फल पैदा होता है जिसका नाम फ्रूट है,
खरबूजा है और सर्दे की तरह की चीज होती है। तो अब यह आप बताइए कि हमारे यहाँ फूट तो उगता है जमीन से, वहाँ लड़ाई झगड़े उस पर मजमून लिखे जा रहे हैं, पार्टियां बन रही हैं, मुल्क तकसीम हो गया, हंगामे हो गए, हर तरफ देखिए तो लोगों में एक प्रेजिस का एक एक अंबार है, दीवारें खड़ी हो गई हैं, हर एक को प्रेजिस है, जरा सा खुरचिए तो अंदर से निकलेगा कि कुछ ना कुछ बदगुमानी हर एक को है, हर एक से, चाहे वो एक फिरके के लोग हों, चाहे वो दो फिरकों के लोग हों, चाहे वो एक सेक्ट के लोग हों, चाहे मुख्तलिफ सूबे के हों, उत्तर प्रदेश का है तो वो पंजाब का है तो वो आसाम का है, उसमें झगड़े हैं, इतने झगड़े कहीं नहीं होते। हाँ तो ये मेरे सामने यही सवाल था कि ऐसा क्यों हुआ, तकसीम क्यों हुई। आखिर वो दिन भी आन पहुंचा जब कमाल ने दिल्ली जाकर वीजा की दरख्वास्त दी। इस फैसले पर पहुंचने से पहले उसने कई रातें जागकर गुजारी थी। वो दुनिया की नजरों से बचता फिरा था, भाएं भाएं करती गुलफिशा में सिर्फ साए डोलते नजर आते, दरवाजे बंद होते, हवा से खाली कमरों के पर्दे फटफटाते, अंदर की ख्वाबगाह से बूढ़े नवाब साहब के खांसने की आवाज आती। अम्मी बेगम पिछले दरवाजे में तख्त पर बैठी वजीफे पर वजीफे किए जाती, हजारों मन्नतें उन्होंने मान डाली। उसने बहरहाल तय कर रखा था कि भूखा मर जाएगा, मगर तरके वतन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तब एक रोज अदालत ने फैसला सुना दिया, गुलफिशा कमाल के बड़े अब्बा यानी बड़े नवाब साहब मरहूम के नाम से रजिस्टर्ड थी, आमिर रजा उनका इकलौता वारिस पाकिस्तानी था, गुलफिशा मतरू का जायदाद करार दे दी गई। दूसरे रोज सुबह जब कमाल की आंख खुली तो उसने खुद को लखनऊ में रिफ्यूजी पाया। इसका कैनवस इतना वसी है, मेरा नहीं ख्याल किसी दूसरी हिंदुस्तानी जबान में पार्टीशन की ट्रेजेडी को लेकर ऐसा फिक्शन लिखा गया, और उसमें एक बहाव भी है, एक कंटिन्यूटी भी है हिंदुस्तानी तारीख की, हिंदुस्तानी तहजीब की, और उसकी जो टूटन है उसमें जो वैल्यूज़ चैलेंज हुई हैं, ख़ास तौर से 1000 साल की वो वैल्यूज़ जो हिंदू मुसलमानों के आपस के इंटरेक्शन से एक ख़ास तरह का हिंदुस्तानी कल्चर बना, जिसकी खूबसूरती का मज़हर ताजमहल है, या जो गालिब की शायरी में आप देखते हैं, या उर्दू ज़बान के लोच में और उर्दू ज़बान की कशिश में आप देखते हैं, उस सुंदरता को, उस जमालियाती हुस्न को, तहजीब के उस कशिश को, उस खूबसूरती को, उसकी टूटन का जो दुख है, उसकी जो कराह है, वो हक का दरिया में आई है। कितने लोगों के घर तबाह हुए होंगे, कितने ख़ानदान मिटे होंगे, कितने, जब यूरोप के नक्शे बदले हर वॉर के बाद, जब एशिया के नक्शे बदले हर वॉर के बाद, तो जो नक्शे बदलते हैं पॉलिटिक्स, जब पॉलिटिशियंस दुनिया के फैसले करते हैं तो उनको इंडिविजुअल्स का या ख़ानदानों का उन्हें कोई एहसास नहीं होता, उन्हें परवाह ही नहीं होती, वो जानते ही नहीं कि इंसान पे क्या गुजरेगी। तो ये हम लोग जो हैं ना, हम आप जो हैं, कहीं भी हों, किसी भी मुल्क में हों, हम लोग पॉन्स हैं वर्ल्ड के, जो दुनिया के जो सियासतदान हैं उनके हाथों में हम लोग मोहरे हैं, और उनसे और नीचे मुल्की सियासतदान हैं उनके हाथों में मोहरे हैं। तो इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। आजकल दुनिया में लिटरेचर का कोई रोल नहीं है मेरा, आजकल दुनिया में पावर इज माइट, माइट पावर, पॉलिटिकल पावर जिसके हाथ में है वो है, राइटर पोएट ये सब सेकेंडरी चीज है, और नेचुरली चीज सेट सेट नहीं हो। अरे एक से एक लाइब्रेरीज हैं, एक से एक आर्ट गैलरीज हैं, एक बम पड़ा सब गायब हो गई, वो कहाँ गई वो किताबें, उन किताबों में जो फलसफा रखा हुआ था उसने कहाँ बचाया आपको, आपको तो आके मार गया एक बम। दिस इज अ ट्रेजेडी। आपने इतना पढ़ लिया है लेकिन जो आपके ऊपर जो बैठा हुआ है वो आपका दादा, वो तो वो है ना बादशाह, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, जो कुछ भी है, जो आपका आपकी कंट्री का मालिक है, उसको नहीं परवाह कि आपने क्या पढ़ा है।
मैं लिटरेचर को लेके होपफुल इस तरह हूँ कि कोई वक्त आएगा ऐसा जबकि लोगों में समझ आ जाएगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो लिटरेचर विल बी देयर। लेकिन इस वक्त जो है पावर जो है वो पढ़े लिखों के हाथ में नहीं है।